मुरादाबाद महानगर के सिविलार स्थित केसीएम पब्लिक स्कूल में मैंगो पार्टी का आयोजन कराया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सभी बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित केसीएम पब्लिक स्कूल में मैंगो पार्टी का आयोजन हुआ। विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई, बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने बच्चों को पुरस्कार बांटे। शनिवार को विद्यालय में जूनियर कक्षाओं के बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र सिंह ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और विद्यालय की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य का कहना है कि समय समय पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा को निखारा जा सके और बच्चों को हर कार्यक्रम और हर मौसम के फलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। विद्यालय में आज क्या कार्यक्रम आयोजित है? सर, आज प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों का फन विद मैंगो कॉम्पिटिशन आयोजन किया गया, जिसमें कलरिंग, रेस्टोरेंट कॉम्पिटिशन, फैंसी ड्रेस और फन विद गेम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा उत्साह दिखाया और इसके बाद बच्चों को हमने उत्साहित करने के लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। कितने बच्चों ने प्रतिभाग किया? इसमें करीब हमारे 180 बच्चों ने प्रतिभाग लिया है और इसमें हर इवेंट्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कॉन्सोलेशन प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मुख्यतः उद्देश्य क्या रहता है सर? उद्देश्य ये है कि बच्चों में एक अवेयरनेस लाना, जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन के फॉर्म में फन विद मैंगो नाम रखा गया है, जिसमें बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन के प्रति रुचि बढ़ाना या रेसिटेशंस, पोएम्स, जैसे बच्चों कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा बच्चे और पार्टिसिपेट कर सकें, और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में बच्चे और बेहतर कैसे ड्रेस पहन सकते हैं इसके ऊपर, और लास्ट में एक गेम का आयोजन किया गया और जिसमें बच्चों का इंटेलिजेंस और बच्चों को ये अवेयरनेस कितनी गेम्स में है उसके प्रति जागरूक किया गया।